नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष विश्वकर्मा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिलेक्शन मेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि आज हम इंडियन ज्योग्राफी की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी को चैप्टर वाइज हम एमसीक्यूज करेंगे आपके साथ में, और एमसीक्यूज के माध्यम से हम सारे इंडियन ज्योग्राफी के डिटेल्स को भी कवर करेंगे। तो चलते हैं फिर हम लोग। सबसे पहले तो आज हम लोग जो है इंट्रोडक्शन करेंगे, परिचय करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के का परिचय से जितने भी संबंधित एमसीक्यूज बन रहे होंगे, सारे एमसीक्यूज कवर करेंगे हम लोग। दोस्तों, जिन्होंने अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी से भी और फेसबुक आईडी से जुड़िएगा। जिन्होंने अभी हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटर करके नहीं सर्च किया, वो जल्दी से अपने यूट्यूब चैनल में सर्च करिएगा, और बहुत सारी वीडियोज हर सब्जेक्ट के डाले जा रहे हैं, और जिनसे आपको जल्द से जल्द वो सारे वीडियो कवर हो पाए। ये हमारे कोचिंग के फाउंडर वीरज सर जी हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं, जैसे यूपी टेट में भी तैयार कर रहे होंगे, सीटेट की भी तैयारी कर रहे होंगे, यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे, यूपीपीएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे, यूपी टीपीएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे, और रेलवे, बैंक, एसएससी, बहुत सारी ढेर सारी गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, तो जल्दी से पहले टेलीग्राम चैनल से ही जुड़िएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलते हैं हम लोग क्लास की तरफ और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह, अब ये लक्षद्वीप समूह स्थित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह स्थित है, तो कहां स्थित है? पहला ऑप्शन आपके सामने अरब सागर, दूसरा खंबात की खाड़ी, और तीसरा मन्नार की खाड़ी, और चौथा ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी। कह रहा है कहां पर स्थित है लक्षद्वीप समूह। तो चार ऑप्शन में जल्दी से अपने ऑप्शन को पुष्ट करिए, बताइए कि आपका ऑप्शन कौन सही हो रहा है, जल्दी से बताइए। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा अरब सागर। देखिए, अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। ये हमारे इंडिया का, ठीक है, मैप है, और इंडिया के मैप के सहारे यहां पर बंगाल की खाड़ी है। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी है और यहां पर अरब सागर है। क्या है? अरब सागर। और यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो है यहां पर खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी है, समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो अरब सागर ये दोस्तों यहां पर है, और इसके नीचे लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपका फर्स्ट का ए नंबर सही हो रहा है, अरब सागर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है? पहला ऑप्शन भारत और अफगानिस्तान को, दूसरा ऑप्शन भारत और पाकिस्तान को, तीसरा ऑप्शन भारत और चीन को, चौथा ऑप्शन भारत और म्यांमार को। तो ये चार ऑप्शन है, जल्दी से अपने ऑप्शन की पुष्टि करिए, आपका ऑप्शन कौन सही जा रहा है, जल्दी से बताइए अपने ऑप्शन को। अब हम आपको बताने वाले हैं इसमें जो सही हो रहा है वो सी नंबर सही होगा। भारत और चीन मैकमोहन रेखा से डिवाइड होता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं दोस्तों, भारत का एक नक्शा छोटा सा बना करके कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है, कवर करने की दो करेंगे, और इधर से हम लोग इधर देखते हुए ये हमारा मैप तैयार हो गया, और इस मैप के सहारे ये है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के इस हिस्से से मैकमोहन रेखा है दोस्तों, मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा के सहारे ये चीन है और ये भारत कवर होता है। तो इस प्रकार भारत और चीन को अलग करती है रेखा मैकमोहन रेखा, और भारत और अफगानिस्तान को जो रेखा अलग करती है, भारत और अफगानिस्तान को जो रेखा अलग करती है, तो जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था 1947 से पहले 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 भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत और
अफगानिस्तान के बीच ये रेखा थी, समझ गए होंगे आप लोग। और 1947 के बाद जब हमारा देश आजाद होता है तो ये रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रेखा खींच दी गई। इसे हम रेखा के नाम से डूरंड रेखा कहेंगे दोस्तों। कौन सी रेखा? डूरंड रेखा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा होगी, तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है। रेडक्लिफ रेखा है दोस्तों। तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा खींची गई जिसका नाम है रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है, समझ गए होंगे आप लोग पूरी तरीके से। तो क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा दूसरा और चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, बांग्लादेश से नहीं लगती। तो इसमें मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है और मेघालय है। ये चार ऑप्शन है आपके पास और जल्दी से बताइए कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है। जल्दी से बताइए, अपने ऑप्शन की पुष्टि करिए, बताइए कौन सा आपका ऑप्शन सही हो रहा है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि जो ऑप्शन इसमें सही होगा वो मणिपुर सही होगा। कौन सा? मणिपुर। जैसे कि हम लोग मैप के सहारे देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, मैप के सहारे से देखने की कोशिश करेंगे। और ये जितना भी बॉर्डर है ये सारा बांग्लादेश का है, ठीक है। और बांग्लादेश के इधर ये त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा चारों तरफ से ऐसे है ना, ये त्रिपुरा ऐसे ही। इसके बाद इसकी सीमा यहाँ मणिपुर से नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके बाद नागालैंड होगा यहाँ पर, नागालैंड, ठीक है। यहाँ पर अरुणाचल होगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर मेघालय होगा, मेघालय, समझ गए होंगे। तो मेघालय की सीमा मिलेगी बांग्लादेश के साथ, त्रिपुरा की सीमा मिलेगी, मिजोरम की सीमा मिलेगी दोस्तों, और मणिपुर की केवल सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती दोस्तों। इसलिए ऑप्शन ये मैप के सारे आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से कवर कर लीजिएगा पॉइंट्स की मणिपुर से ही सीमा मिलती है नहीं मिलती। तो बिल्कुल मणिपुर से बांग्लादेश की सीमा नहीं मिलती। आगे चलते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निम्नलिखित में किस स्थान से के स्थानीय समय को दर्शाता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये शहर आपको दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है प्रयागराज और चौथा ऑप्शन है आपके पास चेन्नई। ये चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कि आपका ऑप्शन कौन सही हो रहा है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए आपका ऑप्शन कौन सही होगा। तो इसमें जो सही होगा दोस्तों वो होगा प्रयागराज। प्रयागराज शहर से भारत का मानक समय लिया गया है। भारत का मानक समय जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, समझ गए होंगे आप लोग, IST जिसे हम लोग बोल देते हैं, ठीक। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, पहले इलाहाबाद था अब प्रयागराज। तो प्रयागराज जो है प्रयागराज के नैनी से लिया गया। और कितने अंश पर भारत का मानक समय कितने अंश पर दर्शाया गया है, तो भारत का जो मानक समय है वो 82.5 ई पर है। 5 राज्यों से होकर जाता है दोस्तों। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरता है मानक समय, गुजरता है मानक समय। पहला उत्तर प्रदेश से तो पहले ही नंबर, फिर MP, फिर छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़ और फिर आंध्र प्रदेश और पांचवा उड़ीसा, मतलब कुल पांच राज्यों से भारत का मानक समय गुजरता है। समझ गए होंगे आप लोग। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार कंप्लीट होता है और चलते हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन कह रहा दोस्तों कि कर्क रेखा टॉपिक आप कैंसर निम्नलिखित में कैसे किस राज्य से होकर नहीं गुजरता। ठीक, तो पहला ऑप्शन आपके पास राजस्थान, दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा ऑप्शन उड़ीसा और चौथा ऑप्शन त्रिपुरा। ये चार ऑप्शन है और जल्दी से बताइए कि आपका ऑप्शन कौन सही हो रहा है। दोस्तों जल्दी से बताइए कि आपका ऑप्शन कौन सही हो रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सी नंबर सही होगा। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा के अंतर नहीं आता। कैसे आपको कैसे आठ राज्य, मतलब कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है जिसे हम लोग बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना, और टॉपिक ऑफ कैंसर एट स्टेट से होकर गुजरती है। समझ रहे हैं? और उसको यदि हमें लर्न करना है तो याद कैसे करें, ये आपको एक मैं ट्रिक बताने वाला हूं। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। ठीक, कैसे? मित्र पर गम छा झा। मी का मतलब हो गया मिजोरम, त्रा का मतलब हो गया त्रिपुरा, पा का मतलब हो गया पश्चिम बंगाल, आर का मतलब हो गया राजस्थान, गा का मतलब हो गया गुजरात, यम का मतलब हो गया मध्य प्रदेश, छा का मतलब हो गया छत्तीसगढ़ और झा का मतलब हो गया झारखंड। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात और आठ, आठ स्टेट है जो कर्क रेखा होकर गुजरती है आठ स्टेटों से। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरा कंफर्म हो गया, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो उड़ीसा ऑप्शन सही था, उड़ीसा कर्क रेखा यहां से गुजरती नहीं है। दोस्तों क्लियर हो गया होगा? ठीक, कर्क रेखा कितने अंश पर है अगर आपसे अंश पूछता है तो 23.5 अंश पर गुजरती है। कर्क रेखा भारत से 23.5 अंश से गुजरती है और भारत के प्रायद्वीपी भाग को अलग करती है, पेनिनसुलर को अलग करती है कर्क रेखा। मतलब भारत को, या कह सकते हैं भारत की जलवायु का विभाजन भी कर सकती है, भारत के जलवायु का विभाजन करती है, जलवायु का विभाजन करती है। कौन करती है जलवायु का विभाजन? कर्क रेखा। समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिक्स नंबर क्वेश्चन कह रहा दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के चार बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है। अब देखिए, एक सही क्रम जब आपको याद होगा तभी आप बता पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन हमारे सिविल सेवा परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कैसे आप आंसर देंगे? तो याद करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, मैपिंग करनी पड़ेगी, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। ऐसे नहीं है कि जियोग्राफी को आप हल्के में ले रहे होंगे। जो व्यक्ति जो हल्के में लेता है वो जियोग्राफी को कभी समझ नहीं सकता। जियोग्राफी को तभी समझा जा सकता है जब मैपिंग का आधार देखा जाता है, मैपिंग के साथ साथ सारी चीजों को अनुमान लगाए जाते हैं। चलते हैं, देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। पहला ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। देखो ये चार ऑप्शन है और जल्दी से बताइए कि तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है। जल्दी से बताइए आप लोगों का ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि जो इसमें ऑप्शन सही होगा वो फर्स्ट सही होगा, ए नंबर राजस्थान। एक चीज आप लोग याद रख रहे, बहुत सारे बच्चों को राजस्थान पहले कंफर्म होता है क्योंकि वो लोग वनलाइनर के हिसाब से बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, तो उनको मालूम होता है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से एक ही बड़ा राज्य है राजस्थान, और राजस्थान के आगे कोई उनको मालूम नहीं है कि इसके बाद कौन सा होगा, इसके बाद कौन सा होगा, इसके बाद कौन सा होगा। जो व्यक्ति यूपी स्पेशल पढ़ता है तो उसको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश चौथा स्थान है, ठीक है ना। तो एक तो ये फायदा उसको हुआ अगर ये दोनों तैयारी कर रहा है तो राजस्थान पहला होगा और ये चौथा होगा, तो इसके बीच जो होगा वो मध्य प्रदेश होगा।
अगर मैप खोल के आप बैठे हुए हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं, उनके एरिया को देख सकते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा एरिया दिखता है मैप में, इसके बाद मध्य प्रदेश का एरिया दिखता है, उसके बाद महाराष्ट्र का एरिया दिखता है और उसके बाद उत्तर प्रदेश का एरिया दिखता है। समझ रहे होंगे आप लोग पूरी तरीके से, ठीक। अनुमान लगाइए कि जैसे हमने इस मैप को बनाया और इस मैप के सहारे आपको मैं बताने वाला हूं कि इधर राजस्थान है, राजस्थान के बाद इधर ही आ जाओ एमपी हो जाएगा और एमपी के बाद इधर आ जाओ महाराष्ट्र हो जाएगा ना, और इधर आ जाओ तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो ये चार आपके राज्य हो गए कि नहीं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये चौथा हो गया। तो इस प्रकार आपका यह क्वेश्चन सही होता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले नंबर, सेवन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। सेवन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जो भारत के साथ लंबी सीमा स्थलीय सीमा बनाता हो। जैसे पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है नेपाल। ये चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए इसमें आपका आंसर कौन सही हो रहा है, जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए। देखो इसमें जो सही होगा वो सही होगा बांग्लादेश। क्या सही होगा? भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला बांग्लादेश है और सबसे बड़ी बड़ी स्थल सीमा बनाने वाला देश है। समझ गए? और सबसे छोटी सीमा बनाने वाला कौन होगा? तो मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जैसे बात करें अफगानिस्तान होगा दोस्तों, अफगानिस्तान, ठीक। तो जैसे अभी हमें याद करना है, बहुत बच्चों को याद नहीं होते सारी चीजें, तो एक ट्रिक लिख लीजिएगा। तो ट्रिक में क्या है, बचपन में एमबीए करने का सपना था, अब इसमें टिक कैसे बनाएंगे? बा का मतलब बांग्लादेश, चा का मतलब चाइना, इसके बाद चाइना होगा, पा का मतलब पाकिस्तान होगा, ना का मतलब नेपाल होगा, यम का मतलब म्यांमार होगा, बी का मतलब भूटान होगा और ए का मतलब अफगानिस्तान होगा। तो इस तरह आप ये सारे क्वेश्चनों को कंफर्म, पॉइंट्स कंफर्म हो गए होंगे आप लोगों को, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग एट नंबर क्वेश्चन पर। एट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल वर्ल्ड के क्षेत्रफल का कितना है प्रतिशत में। पहला 2.42%, दूसरा 17.5%, फिर 3.24%, चौथा है 4.42%। ये चार ऑप्शन है और जल्दी से बताइए आपका ऑप्शन कौन सही हो रहा है दोस्तों, जल्दी से बताइए आपका ऑप्शन कौन सही हो रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो ए नंबर ऑप्शन सही होगा, 2.42 विश्व के क्षेत्रफल का, भारत का क्षेत्रफल है, मतलब विश्व के क्षेत्रफल का भाग है ये, ठीक है। इतना भाग भारत के पास है इतने परसेंटेज में, 2.42%। यह जो 17.5% है ये भारत की जनसंख्या का परसेंटेज है, भारत की जनसंख्या पॉपुलेशन कितनी है यहाँ पर विश्व की तुलना में भारत की जो जनसंख्या का परसेंटेज है वो 17.5% है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो इस प्रकार हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के कितने राज्य जो समुद्र के किनारे पर स्थित है, दोस्तों। तो पहला है आपके पास 9, दूसरा है 11, तीसरा है 5 और चौथा है 10। तो ये चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो 9 सही होगा। 9 राज्य हैं जो भारत की तटीय रेखा पे लगे हैं। जैसे हम लोग मैप बना लेते हैं और मैप के सहारे आपको बताने वाले हैं कि कितने ऐसे राज्य हैं जो तट से लगे हुए हैं। जैसे बात करें यहां पर गुजरात की,
दूसरी यहां पर बात करें महाराष्ट्र की, यहां पर बात करें गोवा की, और गोवा के बाद कर्नाटक की, ठीक है, कर्नाटक की, ये गोवा है और ये पूरा भाग हमारा कर्नाटक का है और ये भाग हमारा केरल का है, समझ रहे होंगे आप लोग। इसके बाद ये भाग जो हमारा ये तमिलनाडु है दोस्तों, क्या है, तमिलनाडु, और ये भाग हमारा जो है, ये भाग जो हमारा आंध्र प्रदेश है, क्या है, आंध्र प्रदेश है, समझ गए होंगे, और ये भाग में हमारा उड़ीसा है, ये भाग में हमारा उड़ीसा है और इस भाग में हमारा तेलंगाना है जो अलग हुआ है आंध्र प्रदेश से। तो इसमें देखिए गिनते चलते हैं हम लोग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा केरल है, सिक्स नंबर में तमिलनाडु है, सेवन में आंध्र प्रदेश है और एट में उड़ीसा है और यहां है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल भी नौ नंबर में आ जाएगा। इस प्रकार हमारे नौ स्टेट है, हमने आपको दिखा दिया कि जो तट रेखा से लगे हुए हैं। यदि इसमें इंक्लूड कर दिया जाए यूटी को, यूनियन टेरिटरी को, तो यूनियन टेरिटरी कुल टोटल कितने हैं, चार हैं, टोटल कितने हैं, चार हैं, ठीक है, चार यूनियन टेरिटरी में, जैसे अंडमान, अंडमान, दूसरा लक्षद्वीप, ठीक है, तीसरा दादर नागर हवेली, नागर हवेली, ठीक है, और चौथा जो है वो है आपका कौन सा, पौंडिचेरी, पौंडिचेरी। तो इस प्रकार आप लोग ने देख लिया होगा ये चार हमारे और हैं, तो कुल टोटल केंद्रशासित प्रदेश और राज्य मिलाकर 13 यूटी हमारे पास। अगर बड़े की बात की जाए, क्योंकि अब तक का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गुजरात है वो सबसे बड़ी तटीय रेखा वाला राज्य है, सबसे बड़ी तटीय वाला राज्य है, कोस्टल एरिया वाला स्टेट है, तटीय वाला राज्य है, राज्य है, समझ गए होंगे। और जो आंध्र प्रदेश है इसका स्थान दूसरा है, दूसरा प्लेस है इसका, ठीक है, तटीय रेखा पर, मतलब सबसे ज्यादा समुद्र से इसका भाग लगता है, ठीक है। चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है, ऑलमोस्ट टोटल लेंथ कितनी है, जो हमारी कोस्ट एरिया है इंडिया की। पहला 3500 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 7516 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 6000 किलोमीटर और 9500 किलोमीटर। तो ये चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए आपका ऑप्शन कौन सही हो रहा है, जल्दी से बताइए आपका ऑप्शन कौन सही होगा दोस्तों। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो सही होगा बी नंबर, बी नंबर सही होगा, जिनका बी सही है यही सही ऑप्शन भैया, 7516 किलोमीटर। देखिए कैसे, अगर हम केवल तट रेखा को देखते हैं, तटीय भाग को देखते हैं भारत के, ठीक है, तो टोटल 6100 किलोमीटर, समझ गए। यदि इसमें हम आइलैंड मिला देते हैं, आइलैंड मिला देते हैं, तो टोटल हमारे पास कितने हो जाते, कितनी लंबाई हो जाती है, वो हो जाती है 7516 किलोमीटर, समझ गए होंगे आप लोग पूरी तरीके से। अगर तटरेखा सही, केवल केवल तटरेखा की लंबाई पूछे तो 6100 किलोमीटर, यदि इसमें आइलैंड मिला दिए जाए टोटल, तो ये 7516 किलोमीटर हो जाती है, समझ गए होंगे आप लोग। तो इस प्रकार 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती, किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती दोस्तों। पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा मालदीव, ये चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो भैया देखो ये मालदीव पड़ोसी देश नहीं है भैया, मालदीव हमारा हमसे बहुत दूर है, जल पर स्थित है ये, इसलिए हमारे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत तीन पड़ोसी देश है जिसमें मालदीव नहीं है, समझ गए होंगे आप लोग। मैप के सारे आप इस चीज को समझिएगा, ठीक है, मैप अपने सामने रखिएगा, उसमें देखिए मालदीव लग रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कि नहीं, भारत के साथ में, पाकिस्तान भी लग रहा है, अफगानिस्तान भी लग रहा है, बांग्लादेश भी लग रहा है, लग रहा है ना दोस्तों, दिखा दें आपको, देखिए ये जैसे हमने मैप बनाया और मैप के सारे अगर हम आप बात करें, आपके बात करें दोस्तों, तो यहां तो बांग्लादेश लगेगा ही लगेगा, यहां पाकिस्तान लगेगा,
यहां अफगानिस्तान लगेगा, लगेगा ना दोस्तों, लगेगा ना, लगेगा यहां पर अफगानिस्तान लगेगा यहां पर, आप लोग देख लीजिएगा अफगानिस्तान लगेगा, ठीक है, यहां पर, यहां पर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, यहां पर क्या लगेगा, यहां पर चीन लगेगा, यहां पर क्या लगेगा, नेपाल लगेगा, यहां पर भूटान लगेगा, ठीक है, और यहां पर म्यांमार लगेगा, म्यांमार। इस प्रकार ये अंतरराष्ट्रीय हमारे पड़ोसी देश है दोस्तों, मैप के सारे आप लोग समझ लीजिए और हमने समझा भी दिया आपको। चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का सदर्न पॉइंट कौन सा है। तो सदर्न पॉइंट देखिए कौन सा होगा, पहला ऑप्शन है आपके पास कन्याकुमारी, दूसरा है तिरुवनंतपुरम, तीसरा इंदिरा पॉइंट और चौथा है इंदिरा काल। ये चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए इसमें आपका ऑप्शन कौन सा ही होगा, जल्दी से बताइए आपका ऑप्शन कौन सा ही हो रहा है दोस्तों। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सी नंबर दोस्तों सही होगा, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का सदर्न पॉइंट है दोस्तों। कैसे, ये हमारा मैप है और इस मैप के सहारे आप लोग जानते हैं, ठीक है, और यहां पर अंडमान है, यहां पर अंडमान है दोस्तों, है अंडमान दोस्तों, ये अंडमान है, ठीक है, ये अंडमान है और ये, ठीक, यहां पर ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार है दोस्तों, ग्रेट निकोबार है, और ग्रेट निकोबार में ये बिंदु है यहां पर जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट नाम है, ठीक है। तो ये भारत का दक्षिणतम बिंदु होगा, कन्याकुमारी मुख्य भूमि से दूरी है, यहां पर हमारा कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी है दोस्तों, कन्याकुमारी है, जिसे हम, जिसका नाम है, क्या नाम है, जैसे इंदिरा पॉइंट का नाम अगर आपसे पूछा जाए इंदिरा पॉइंट किसका, इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या होगा, तो इसका नाम है पिग मिलियन पॉइंट, पिग मिलियन पॉइंट, मिलियन पॉइंट, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये अगर मुख्य भूमि से पूछता है तो आप बताएंगे कन्याकुमारी, ठीक, जिसका नाम है केप कामोरिन, केप कामोरिन, कामोरिन, केप कामोरिन नाम है दोस्तों, पुराना नाम, समझ गए होंगे। तो इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है और इसे, इसका नाम है पिग मिलियन पॉइंट। चलते हैं हम लोग और इंदिरा कॉल के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए इंदिरा कॉल है, ये भारत का नॉर्थन, नॉर्थन पॉइंट है, नॉर्थन पॉइंट है और जिसका नाम इंदिरा काल में इस समय ये लद्दाख में स्थित है, पहले जम्मू कश्मीर के हिस्से में आता था, अब लद्दाख के हिस्से में आएगा इंदिरा कॉल, इंदिरा काल, समझ गए होंगे आप लोग। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल अलग करती है। अब 9 डिग्री चैनल अलग करती है तो बताइए किसको अलग करेगी। तो इसमें ऑप्शन है, पहला उत्तरी अंडमान को, नॉर्थ अंडमान को साउथ अंडमान से, कार निकोबार को ग्रेट निकोबार से, लक्षद्वीप को मिनी काय से और मालदीप को मिनी काय से। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें जो चार ऑप्शन है, जल्दी से पहले अपने ऑप्शन की पुष्टि करिए कि आपका ऑप्शन कौन सा ही हो रहा है, जल्दी से बताइए। देखिए जो इसमें ऑप्शन सही होगा वो सही होगा दोस्तों सी नंबर, लक्षद्वीप और मिनी काय, ठीक है, लक्षद्वीप और मिनी काय। जैसे भारत का मैप है, भारत के मैप के सारे ये 8 डिग्री पर 4 पर होता है, आपको मालूम है ये पॉइंट, ठीक। अब 8 डिग्री की 4 के ऊपर जाएगा तो 9 डिग्री बनेगा, बनेगा। अब 9 डिग्री में क्या है कि यहां पर मालदीव है, मालदीव है, ठीक। अब जहां पर मालदीव है तो यहां पर आपका मिनी काय होगा, क्या होगा दोस्तों, मिनी कॉय होगा। अब मिनी काय के ऊपर क्या होगा, लक्षद्वीप होगा दोस्तों, लक्षद्वीप होगा। जब लक्षद्वीप होगा, ठीक है, तो मिनी काय से लक्षद्वीप अलग करता है 9 डिग्री चैनल को, और मिनी काय से मालदीप जो अलग होता है वो 8 डिग्री चैनल पर अलग होता है और ये 9 डिग्री चैनल पर। तो ये 8 डिग्री चैनल पर अलग होगा और ये जो होगा ये 9 डिग्री चैनल पर अलग होगा दोस्तों, समझ गए होंगे मेरी बात को पूरी तरीके से,
ठीक है। जैसे यहां पर कार निकोबार है, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि जो कार निकोबार है और ग्रेट निकोबार, इनको तो अलग कोई करता नहीं है। अगर अंडमान को निकोबार, अंडमान और अंडमान को निकोबार से जो अलग होता है, वो दोस्तों अलग होता है किससे, किससे अलग होता है, वो 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। ये आपको याद, चैनल आपको जरूर बहुत जरूरी है चैनल याद करना। यदि आप चैनल याद नहीं करते तो फिर आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम की बात होगी, ठीक है ना। तो 10 डिग्री चैनल, इस प्रकार ये पूरा हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन। और चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है, भारत से बड़ा नहीं है। तो पहला ऑप्शन रूस, दूसरा है चीन, तीसरा है ब्राजील, चौथा है फ्रांस। ये चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए आपका ऑप्शन कौन सही जा रहा है, जल्दी से बताइए आपका ऑप्शन कौन सही जा रहा है दोस्तों। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो डी नंबर सही होगा, फ्रांस। फ्रांस क्षेत्रफल भारत से बड़ा नहीं है। जैसे बात करें हम लोग विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां है, 7 नंबर में। इससे पहले बड़ा पूरे विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में रूस है, रसिया जिसको हम बोलते हैं, रसिया है। दूसरा कनाडा है, क्या है, कनाडा, कनाडा है। तीसरा चाइना है, चौथा चाइना के बाद जो हो वो है यूएसए, और जो 5वां है वो ब्राजील है, और जो 6 नंबर में है वो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है। तो इसमें रूस ये होगा, चीन होगा, ब्राजील होगा, फ्रांस भारत के बाद और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां किसका है, इंडिया का है। समझ रहे हैं मेरी बात को, इंडिया का है, और इंडिया के बाद अर्जेंटीना का है, किसका है, अर्जेंटीना का है, अर्जेंटीना का है। समझ गए होंगे आप लोग। तो इस प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा है, बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा है। तो अभी हमने आपको मैप के सारे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैप के सारे चित्र बना के आपको बता दे रहे हैं, पहले चित्र बना ले रहे हैं और फिर आपको ऑप्शन कराते हैं, ठीक है। और इसमें देखते हैं कौन होगा, ठीक है। और चलते हैं सबसे पहले, पहला ऑप्शन आपके पास मणिपुर है, दूसरा मिजोरम है, तीसरा मेघालय है, और चौथा त्रिपुरा है। ये चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए इसमें आपका ऑप्शन कौन सही होगा, जल्दी से बताइए आपका ऑप्शन कौन सही हो रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो त्रिपुरा, त्रिपुरा जो है वो तीन ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। कैसे, क्योंकि बांग्लादेश की जो सीमा है ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, और यहां पर त्रिपुरा, त्रिपुरा दोस्तों, यहां पर त्रिपुरा। तो एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये, मतलब ये तीन ओर से घिरा है त्रिपुरा, ठीक है, तीन ओर से घिरा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर होता है 15 नंबर। तो दोस्तों बस हम यही रखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था सेशन का, ठीक है। जो भी कुछ डाउट हो किसी प्रकार का आप लोगों को पूछ सकते हैं हमारे कमेंट्स के माध्यम से, ठीक है ना, क्योंकि हमने सारे डिटेल्स साथ, और हमारे एमसीक्यू जो थे वो बहुत बेहतर थे, और आप लोग भी बताइएगा कि हमारा एमसीक्यू का जो सीरीज रही वो कैसी रही है, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें जो कंफ्यूज में थी वो समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो जिन्होंने सबसे पहले हमारे सेशन को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर लीजिए भैया, लाइक कर लिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के, यारों के साथ में, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, जिसके द्वारा आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ में, बस यही अपने वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।